फैक्ट्री का मालिक है उसको कितना फायदा हो रहा है। तो उसकी कैलकुलेशन ये थी कि मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानियों की रियल स्टेट जो इंडस्ट्री है उसमें मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानियों की, ठीक है। अब कोई भी बड़ा डेवलपर एक्स वाई जेड आप किसी का भी नाम ले लें, वो बैरिया टाउन है, वो DHA है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो लाहौर स्मार्ट सिटी है, वो फलकनाथ है कराची वाले, वो कराची वाले साइमा है, किसी का नाम आप ले लें, वो काला शाह काकू इंटरचेंज की जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो चक्री की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो कहीं की भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये मैकेनिज्म ऐसे चलता है कि वो लोग ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, उनके पास पैसा होता है, ज़मीन खरीद लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग पैसे भेजते हैं। आपको मैं रिसर्च साथ इसके अटैच भी कर दूंगा कि $3 बिलियन एक महीने की रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, जिसमें से मैक्सिमम रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट्स और रियल स्टेट की जो